हेलो गाइस, आई एम रुचिका एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। आज मैं आप लोगों को कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी बताऊंगी केमिस्ट्री की, जो हायर क्लासेस में भी आपके यूज में आती है। कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि आइसोटॉप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है। काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है आइसोटॉप और आइसोबार में, कि आइसोटॉप कौन से होते हैं या आइसोबार कौन से होते हैं। तो ये कंफ्यूजन मैं आप लोगों की आज दूर कर दूंगी। एटॉमिक मास को किस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सब हम आज देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक टर्म से स्टार्ट करेंगे हम। देखिए फर्स्ट क्या है, एटम। एटम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर ऑफ एन एलिमेंट। क्या मतलब हुआ इसका? किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसको एटम बोलते हैं। मैटर, मैटर का क्या मतलब होता है? व्हाट इज मैटर? मैटर वो चीज होती है जो जिसमें किसी जिसपे कोई मास होता है, जिसका कोई वॉल्यूम होता है, जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको हम बोलते हैं मैटर। सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस, मास एंड हैव वॉल्यूम, दिस इज मैटर। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, उसको बोलते हैं हम एटम। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारी? एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? इट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। मतलब वो सब्सटेंस जो एक सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? वेन टू और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। मतलब जब दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, मतलब सेम टाइप के। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, हाइड्रोजन हो गया, Cl2। मतलब जब दो हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे, देखो ये एक सिंगल हाइड्रोजन है, ये सिंगल हाइड्रोजन का एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? मॉलिक्यूल। मतलब सेम होने चाहिए। हाँ, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। सेम इसी तरह से ये भी क्लोरीन का एक एटम है, ये दूसरा क्लोरीन का एटम, ये दोनों कंबाइन करके मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? कंपाउंड। इट इज अ सब्सटेंस मेड ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। मतलब इसमें मॉलिक्यूल में तो क्या था, सेम एटम कंबाइन करके फॉर्म करते हैं, और इसमें क्या है, जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, जैसे कि H2O। एक तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है इसमें, और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये दोनों कंबाइन करके क्या फॉर्म करेंगे? कंपाउंड। इसमें दो सेम एटम्स कंबाइन करते हैं, इसमें दो डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट क्या है? आयंस। आयंस क्या होता है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट कैरीज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए आयंस का मतलब क्या होता है? कोई भी स्पीसीज जो एक चार्ज ऑक्यूपाई करती है, या तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो या फिर नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज किस वजह से आता है? या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, या इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आइए एग्जांपल से समझाती हूँ आप लोगों को। जैसे NaCl है, आपने देखा है Na पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। और Cl पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। मतलब Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूज करने पे पॉजिटिव चार्ज आया। ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको हम बोलते हैं कैटायन। ये जो आयंस है, ये दो टाइप के होते हैं, एक तो कैटायन होता है और एक होता है एनायन। कैटायन वो होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि ये एक Na ने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर लिया और Cl पे ट्रांसफर कर दिया, तो Cl पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और इसको हम बोलेंगे अनायन। ठीक है, ये हो गया अनायन, ये हो गया कैटायन। ये भी बता देती हूँ मैं, Na पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, एक ही है क्यों आया? Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। ठीक है, 11 को अपने कैसे लिख सकते हैं? 2, 8 और 1। 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं Na में, तो ये सिंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। सेम उसी तरह से क्लोरीन का क्या होता है? 2, 8, 7। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर ये Na अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl पे ट्रांसफर कर देगा तो Na का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 8 होगा इसमें वैलेंस में, और Cl में भी 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो Na पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और सेम इसी तरह से Cl पे क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये हो गया कैटायन और ये हो गया एनायन। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एटम की स्ट्रक्चर बताती हूँ कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एटम को। सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। एटम में सेंटर जो पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे शेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक के बाद एक ऐसे। ठीक है, इस तरह से ये होगा शेल्स।
इन शेल्स के ना कुछ नेम दे रखे होते हैं, जो सबसे पास में, जो बिल्कुल इनर साइड में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं के शेल, और जो उसके आउटर में होता है उसको एल, देन एम एंड एन, इस तरह से होते हैं, ठीक है। सेंटर में हो गया न्यूक्लियस, और ये जो शेल्स है ना इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इस तरह से। ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं शेल्स में। और ये जो न्यूक्लियस है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, ऐसे ध्यान रखना, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव चार्ज, तो प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल, नाम से ही पता चल रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये होता है न्यूट्रल। और इलेक्ट्रॉन पे तो सबको पता ही है नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन हो गए नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स हो गए पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन्स हो गए न्यूट्रल चार्ज। हाँ, और एक ये चीज ध्यान रखना, किसी भी एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है, इसलिए बैलेंस बना हुआ होता है, ठीक है। मतलब जो प्रोटॉन्स होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है किसी भी एटम में, सेम उतने ही नंबर के इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा। सपोज करो किसी भी एटम में 3 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, तो उसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। न्यूट्रॉन्स का नंबर वेरी कर सकता है, पर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं। अब देखिए, जैसे कोई भी सिंबल ले लिया मैंने, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स, ये कोई भी सिंबल ले लिया, कोई भी ले लो, जैसे हाइड्रोजन ले लो, सोडियम ले लो, कोई भी ले लो, एक्स ले लिया सपोज करो, मैंने ऐसे बताया मैंने आपको, और यहाँ पे जो नीचे लिखते हैं ना, यहाँ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एटम का, यहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर, और अपर साइड में क्या लिखते हैं, मास नंबर, ठीक है। किसी भी एटम को हमें रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से किया जाता है, यहाँ पे हम सिंबल लिख देंगे किसी भी एटम का, नीचे क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर, और इस साइड क्या होता है, मास नंबर। और मास नंबर का एक फॉर्मूला होता है, देखिए मास नंबर निकालना है आप लोगों को किसी भी एटम का, तो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसमें आपको कोई मास नंबर पूछा हुआ है तो आप इन वैल्यू से निकाल सकते हैं, प्रोटॉन पूछा हुआ तो इससे निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं, ये रिलेशन होता है मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ठीक है। अब मैं डिफरेंस बताऊंगी आप लोगों को आइसोटॉप, आइसोबार और आइसोटोन्स में, इसको कंपेयर करके स्टडी करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि आइसोटॉप कौन से होते हैं, आइसोबार कौन से होते हैं, तो आइए देखिए आइसोटॉप क्या होता है, आइसो का क्या मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, और टॉप का मतलब हो गया एटॉमिक नंबर, मतलब जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है वो, और डिफरेंट मास नंबर होता है वो होते हैं आइसोटॉप, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। आइसो मतलब सेम और टॉप मतलब एटॉमिक नंबर, और नेक्स्ट क्या है, आइसो बार, वही आइसो का मतलब सेम, बार का मतलब मास नंबर, इसमें क्या होगा, सेम मास नंबर होगा, जस्ट अपोजिट होगा आइसोटॉप के, सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो आपको इस तरह से याद करो, जैसे बार, बार का मतलब क्या हुआ, भार, भार मतलब मास, तो इससे याद रख सकते हैं आप, आइसो, आइसो बार में सेम मास नंबर हो सकता है, तो ऐसे याद रखना, बार का मतलब भार, ये जस्ट आपको याद कराने के लिए, भार का, भार क्या होता है, मास, तो मास नंबर इसमें सेम होगा और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। और आइसोटोन, इसमें क्या होता है, दोनों ही डिफरेंट होते हैं, मास नंबर भी डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होता है, डिफरेंट मास एंड एटॉमिक नंबर, तो सेम क्या होगा, इसमें आइसो है तो मतलब कुछ चीज तो सेम होगी, तो इसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है, न्यूट्रॉन्स सेम, ठीक है। ये देखिए एग्जांपल दिखा रखा है आप लोगों को, क्लोरीन, क्लोरीन में क्या दे रखा है, 17 और 17, नीचे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर तो सेम है इसका और
मास नंबर क्या है, एक का 35 है एक का 37 है, दोनों क्लोरीन के एटम है, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, ठीक है। तो ये होगा आइसोटॉप। और आइसोबार का क्या एग्जांपल है, एक सल्फर का दे रखा है एक क्लोरीन का एटम है, इसमें मास नंबर सेम है 40 40, दोनों का मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर है 16 और 17, मतलब इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ये होगा आइसोबार। सेम इसी तरह से आइसोटोन का एग्जाम्पल देखिए, सोडियम और मैग्नीशियम का लिया है, इसमें दोनों डिफरेंट होंगे, मास नंबर भी डिफरेंट होगा और एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा। सोडियम का देखिए जैसे 11 है इसका एटॉमिक नंबर और मैग्नीशियम का 12, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया और मास नंबर भी डिफरेंट हो गया, इसका 23 इसका 24, ठीक है। तो इसमें न्यूट्रॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन आप कैसे निकालोगे, अभी फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, क्या दे रखा है आप लोगों को, मास नंबर कितना है 23 और प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स होते हैं जो एटॉमिक नंबर के सेम ही होते हैं, इक्वल होते हैं, तो प्रोटॉन्स कितने हो गए 11 प्लस निकालना क्या है न्यूट्रॉन्स, तो क्या करोगे इसको इस साइड ले आओगे, न्यूट्रॉन्स निकल गए कितने आ गए 12, ठीक है। सेम इसी तरह से इसका भी देखिए, जैसे इसमें कितना दे रखा है 24 है इसका, 12 प्लस एन, इसमें भी आ गए 12, ठीक है। तो देखो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो ये हो गए आइसोटोन। तो ये था हमारा आज का सेशन, ये मैंने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी बताई केमिस्ट्री की, जैसे जो हायर क्लासेस में डायरेक्ट यूज की जाती हैं, हायर क्लासेस में आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ होगा कि इसका मास नंबर इतना है, एटॉमिक नंबर इतना है, अगर आप लोगों को डिफरेंस ही नहीं पता होगा एटॉमिक मास कौन सा होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, आइसोटॉप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये जो बेसिक टर्म्स थी आप लोगों को एटलीस्ट इतना तो पता ही होना चाहिए केमिस्ट्री आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।